नमस्कार दोस्तों, अमेजन के एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुका है रिपब्लिक डे का सेल और यहाँ पर कई सारे फोन पर डिस्काउंट काफी अच्छे लेवल का मिल रहा है। तो अभी हम बात करेंगे हॉनर 95G स्मार्टफोन के बारे में कि आप इस फोन को एक्सचेंज करके कैसे बाय कर सकते हो, बिकॉज इस फोन पर डिस्काउंट काफी अच्छे लेवल का है और एक्सचेंज करने के बाद भी सारा डिस्काउंट वर्क करेगा। किस तरीके से क्या है सभी को अभी हम देखने वाले हैं फुल लाइव प्रूफ के साथ। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इंडिया तक देखिए, तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। देखिए हॉनर 95G स्मार्टफोन पर अभी डिस्काउंट काफी अच्छे लेवल का मिल रहा है और भी कई सारे फोन पर डिस्काउंट है जिसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में बात किया है, आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। देखिए अमेजन के एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुका है ग्रेट रिपब्लिक डे का सेल, जो कि आज से स्टार्ट हुआ है प्राइम मेंबर के लिए। बाकी लोगों के लिए सेल कल से स्टार्ट होने वाला है और फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पे भी स्टार्ट हो चुका है रिपब्लिक डे का सेल और वहाँ पे भी कुछ अच्छे डील को मेंशन किया गया है। लेकिन हम अभी बात करेंगे हॉनर 95G स्मार्टफोन के बारे में, बिकॉज इस फोन पर लिमिटेड टाइम के लिए काफी अच्छे लेवल का डिस्काउंट है। सबसे पहले आप यहां पर देख पाओगे रिपब्लिक डे का सेल है, इसमें आपको मिलता है SBI बैंक के साथ डिस्काउंट। वैसे कई सारे फोन का प्राइस ड्रॉप किया गया है, उसके बाद रखा गया है अमेजन कूपन ऑफर, उसके बाद बैंक ऑफर भी है। आप यहां पर देख पा रहे हो हॉनर 95G स्मार्टफोन है, इसमें मेंशन किया गया है कि आप इस फोन को बाय कर सकते हो 20,000 में। देखिए इस फोन का सबसे पहला वेरिएंट है जो कि है 8GB 256GB का, जिसका अभी प्राइसिंग है 29,000। उसके बाद है 12GB 512GB का भी वेरिएंट, जिसका प्राइसिंग है 31,000। यहाँ पे 6,000 का है अमेजन कूपन का डिस्काउंट। उसके बाद है 3,750 रुपए का डिस्काउंट जो की है SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ। अगर आपके पास SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको मिलेगा 3,000 का डिस्काउंट फुल पेमेंट करने पर, और SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से EMI लेने पर आपको मिलेगा 3,750 रुपए का डिस्काउंट। डिस्काउंट किस तरीके से मिलता है इसके बारे में भी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में फुल प्रूफ के साथ बता रखा हूँ। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट है इसको अप्लाई करने के बाद 8GB 256GB का वेरियंट आपको पड़ेगा 19,249 रुपए में, जबकि 12GB 512GB का वेरियंट आपको पड़ेगा 21,249 रुपए में। इस प्राइसिंग में ये दोनों फोन काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब चलिए हम बात करते हैं कि अगर आप तो इस फोन को एक्सचेंज पे बाय करना तो किस तरीके से हो सकता है। देखिए नीचे में आपको दिखेगा एक्सचेंज योर ओल्ड फोन करके, इस पर आपको टैप करना है और आपके पास जो ओल्ड फोन है उसको यहाँ पर ऐड करना है। मेरे पास है रेडमी K50i 5G स्मार्टफोन जो कि काफी अच्छे कंडीशन का है, आप यहाँ पर देख पाओगे। इसे मैं ऐड करता हूँ और देखता हूँ मुझे प्राइसिंग क्या देता है और उसके बाद मुझे बैंक ऑफर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसको भी हम देखेंगे पेमेंट के पेज पर। आप यहाँ पर देख पाओगे कुछ इस तरीके से वेरिएंट पूछ रहा है मेरा 6GB 128GB का वेरिएंट। इसको देने के बाद पूछ रहा फोन का कंडीशन क्या है, तो मेरा फोन का कंडीशन है नो डैमेज। ये देने के बाद करता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो प्राइसिंग दिया है वो है 8100 रुपए जो कि काफी कम है। इससे ज्यादा मुझे प्राइसिंग मिल सकता है अगर मैं इस फोन को OLX पे सेल करूँ तो, बिकॉज इस फोन को मैंने काफी कम यूज किया है। आपको यहाँ पर IMEI नंबर डालना है, उसके बाद करना इंटर। अगर आपके फोन का अच्छा प्राइसिंग दे रहा हो तो आप एक्सचेंज कर सकते हो, मेरा तो काफी खराब दे रहा है। मैं आपको सिर्फ लगा के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ऑफर मिल सकता है। तो यहाँ देखिए एक्सचेंज करने के बाद भी कूपन अप्लाई है जो कि है 6,000 का। आप यहाँ पर देख पाओगे मैं पेमेंट के पेज पे आ चुका हूँ और पेमेंट के पेज पर एक्सचेंज करने के बाद भी डिस्काउंट मिल रहा है जो कि आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से देख पा रहे होंगे। तो ये चीज काफी अच्छा हो सकता है कि आप ओल्ड फोन को एक्सचेंज भी कर लो, उसके बाद 6,000 का अमेजन कूपन भी है, उसके बाद 3,000 का बैंक ऑफर भी है। इन सब चीजों को अप्लीकेबल करने के बाद आप इस फोन को काफी कम प्राइसिंग में बाय कर सकते हो, जिसका फुल प्रूफ आप यहां पर देख पाओगे। तो जो भी ऑफर है वो काफी अच्छे तरीके से अप्लीकेबल हो रहा है और ये सब करने के बाद जो रेस्ट अमाउंट बच जाता है उसे आप EMI में भी कन्वर्ट करा सकते हो, जिसका फुल प्रूफ आप यहां पर देख पाओगे। तो कुछ इस तरीके से आप इस फोन को बाय कर सकते हो एक्सचेंज पे भी। तो काफी इंटरेस्टिंग डील है, अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो, इस प्राइसिंग में ये फोन काफी बेस्ट रहेगा। धन्यवाद।